पोजीशन है और आप उनको कहिए कि बिल के सपोर्ट में या विरोध में बोलेंगे। ये गौरव गोगोई जी को जानना चाहिए और सारे अपोजिशन को जानना चाहिए। जनरल करेक्टर, जनरल करेक्टर का कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। बिल के सपोर्ट में, क्लाउज के सपोर्ट में या क्लाउज के विरोध में बोल सकता है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एक सर, है इफ यू डू नॉट कम बैक टू द बिल आई विल हैव टू, पहले मुझे समझ नहीं आया, आई विल हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर स्पीच। सर पहले मुझे समझ नहीं आया, कौन सेफ है? प्लीज आई एम गिविंग यू लास्ट 5 मिनट्स, बिल वो एक कौन है, मैं समझ नहीं आया। फिर मैंने मीडिया की सुर्खियां पढ़ी तो मुझे समझ आया, एक है तो सेफ है। इसका मतलब क्या कि अगर मीडिया कंपनी छीननी है तो सीबीआई आपके साथ है, अगर एयरपोर्ट आपको लेनी है तो ईडी आपके साथ है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोयला का माइन लेना है तो एसबीआई आपके साथ है। अमेंडमेंट बिल के अगर सोलर पावर का प्रोजेक्ट चाहिए तो सोलर बैंकिंग अमेंडमेंट आपके साथ है। आप किस बिल के बारे में बोल रहे हैं सर? काइंडली कम बैक टू द बैंक। इनकम टैक्स ईडी के साथ क्या है हमको पता नहीं। सीमेंट कंपनी अगर चाहिए तो ईडी आपके साथ है, और अगर लैपटॉप और फोन, फोन और जांच की एजेंसी ले ले तो एमईए भी आपके साथ है, एमईए भी आपके साथ है। मार्च 2023 में लैपटॉप और फोन हड़प लिया गया, जांच हो रही है किसको कितना रिश्वत दिया गया, भारत को बताया नहीं लेकिन एमईए को पता था। और अगर हम चाहते हैं कि कोई जांच हो, अगर कोई जांच हो तो एसबीआई भी आपके साथ है। तो इसीलिए जब तक मोदी है, एक है तो सेफ। क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, कहा सबका साथ कहा सबका विकास, हमें तो बस एक का विकास देख रहा है और एक का साथ ही हमको दिख रहा है। हम और कौन से नहीं, के सेवक नहीं, देश की जनता आपको तनख्वाह देती है। प्लेटफॉर्म नहीं है, कौन सेफ नहीं, स्पीकर साहब ये आज के दिन में कौन सेफ नहीं, बिल पे बोल रहे किसान सेफ नहीं, और जो बिल के सर बैंक में सभापति महोदय इधर इधर, सभापति महोदय इधर इधर, किसान सेफ नहीं, किसान केसीसी लोन का किसान की बात कर रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ, किसान को केसीसी लोन रिन्यू करना चाहिए, रिन्यू करना मांगता है, कोई नहीं हो रहा सर, ये संसद है, केसीसी का लोन उसका रिन्यू नहीं हो पा रहा सर, टाइम है सर, अभी टाइम है, कार्रवाई से बाहर हो ये सर, युवा युवा शिक्षा लोन चाहता है लेकिन शिक्षा लोन डिलीट नहीं मिल रहा बैंक से, आई ऑलरेडी टोल्ड स्टार्टअप डिलीटेड, स्टार्टअप क्या चाहता है, स्टार्टअप चाहता है कि उसको बैंक से लोन मिले, स्टार्टअप चाहता है कि उसको बैंक से लोन मिले, लेकिन उसके पास कोलैटरल बी सीटेड फॉर अ मिनट, एक मिनट, ये सर सर आप आज काफी दिन के बाद आज हाउस अच्छी तरह से चल रहे हैं और हमने बिल पे चलने का सर बिल पे चर्चा करके अच्छा से अभी शुरुआत हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बिल को टेबल किया है और सबका सुन करके रिप्लाई देने का बात किया है। यहाँ जब बिल के चर्चा होते हैं एक स्टैंडर्ड है, वो नए एमपी नहीं है, गौरव गोगोई जी डिप्टी लीडर भी है और इस हाउस में 3 बार आ चुके हैं, वो नए नहीं है। किसी भी बिल में बोलते समय अगर आप बिना सीमा तय किए
प्रधानमंत्री जी को आप गाली देंगे और किसी का नाम लेंगे, किसी बिजनेसमैन का नाम चर्चा लेंगे, ये चर्चा का जो स्तर है उसको गिराता है। मैं अनुरोध करता हूँ, मैं गौरव जी आपको अनुरोध करता हूँ, आप जरूर बोलिए, हम आपका बोलने का अधिकार छीनने के लिए हमारा पास कोई हक नहीं है, लेकिन आप बिल अब तक कोई तरीका है, ये तुम ही बोलते रहो, फिर क्या बात करते हैं, रूल से चलेगा कि नहीं हाउस, ये रूल रेगुलेशन से हाउस चलता है कि नहीं है, तुम जो चाहे मर्जी बोलेगा क्या, ये तरीका नहीं होता है। या जब बिल पे चर्चा होता है, बिल पे केंद्रित करके बोलना होता है, ये कोई राजनीतिक भाषण के लिए नहीं होता है, ये गलत बात है। हम बिल पे सुनना चाहते हैं, मंत्री जी बिल पे सुनना चाहते हैं, आप बिल पे नहीं करते, इधर उधर का बात करने से कैसे होगा। देखो चर्चा का स्तर कम मत गिराइए, सर वी शुड नॉट डिमिनिश द स्टैंडर्ड ऑफ द डिबेट्स एंड डिस्कशन द कन्वेंशन ऑफ दिस वेरी ग्रेट हाउस, लेट अस नॉट रिड्यूस इट टू तमाशा। आप स्टैंडर्ड में बात कीजिए, स्टैंडर्ड में जवाब दें, ऐसे नहीं होगा। हम लोग आपको इज्जत करते हैं, आपको भी इज्जत करना होगा। प्लीज लिसन टू हिम। निशिकांत दुबे जी, माननीय निशिकांत दुबे जी, the discussion or a motion that the bill or as the case may be, the bill as amended be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or the rejection of the bill. The member while making the speech shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of argument which shall be of general character. General character का कोई भी argument नहीं हो सकता है। Bill के support में, clause के support में या clause के विरोध में बोल सकता है। 94 एकदम साफ है और ये 94 का violation है sir। 94 rule 94 का ये violation है और आप उनको कहिए कि bill के support में या विरोध में बोलेंगे। Yeah, kindly be seated. I heard him. Kindly be seated. Please go back to your places and kindly be seated. Kindly be seated. Please take your seat. No, this you can't do like this. You are disrupting the house. The entire nation is watching you. Please sit down. Please sit down, I'm speaking. You are responsible, sir. Listen, the rule number 94 says, I'm reading only a part of the rule 94. I'm not reading the entire rule number 94. I'm reading only a part of it. Please listen. Please don't remind me of my job. I know what I'm doing. Please listen to me. No, listen. The member, while making the speech, shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of arguments, which shall be of a general character. What is the previous sentence? The discussion on a motion that the bill, or as the case may be, the bill is amended, as amended, be passed, shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or the rejection of the bill. So you have to decide whether you are supporting the bill or not supporting the bill and restrict to the discussion of the bill. This is the sixth time I'm requesting you to restrict your discussion, to confine your discussion to the bill only. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।